कपूर की कन्या शिक्षा परिसर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से किए जा रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृमि संक्रमण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए लिए गए हैं, जिसमें मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बच्चों को कृमि नाशक दवा पिलाई और कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को कृमि मुक्त कराना है, इसलिए 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित अन्य जगहों पर कृमि नाशक दवाई पिलाई जाएगी। वहीं कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के साथ नगर निगम के सभापति सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज हमने राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में फाइलेरिया गोली खाया टीएससी देव सर जी के द्वारा, जो हमारे स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में पिछले 5 सालों से मनाया जाने वाला ये 10वां पखवाड़ा है, जिसमें 1.13 करोड़ बच्चों को जो 1 साल से 19 साल के आयु वर्ग के हैं उन्हें ये टैबलेट देके और साथ में फाइलेरिया की दवाई देके बीमारी से मुक्त कराने का ये महती एक बड़ी पहल है। ग्वालियर में महिला